शख्सियत है, पुराने सालत है, वो इस स्वभाव में तजुर्बा कर सकते हैं, वो फौज के जल्दी से सात बार छोड़ते एक बार और आगे चुका है कोरोना काल के बीच आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर देश के बच्चे आने वाली कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने को तैयार हैं। मुरादाबाद में दिल्ली रोड स्थित एक योगा क्लास में योगासन कर रहे बच्चे किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। ये बच्चे सीधे तौर पर देश के सभी बच्चों को एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं कि केवल योग ही ऐसा माध्यम है जिससे कोरोना जैसी बीमारी को दूर भगाया जा सकता है। इस बार के योगा दिवस पर महिलाओं की संख्या भी अधिक है, क्योंकि पिछले एक साल से कोरोना संक्रमण के चलते योग ने मानसिक और शारीरिक बीमारियों से निजात दिलाने में खासी भूमिका निभाई है। नमस्कार, मैं पूनम चौहान पतंजलि योग समिति की जिला प्रभारी हूँ और यहाँ पर आज हम आप सबकी रसोई और पतंजलि परिवार के तत्वधान में इंटरनेशनल योग दिवस को मना रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चे और महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना इतना फैल चुका है, महामारी अभी सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है। तो हम काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को योग और प्राणायाम के प्रति जागरूक किया जाए, और अब हम लोग कर भी रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी कर रहे हैं, कॉलेज स्कूलों में भी कर रहे हैं। तो सभी लोग बहुत अच्छे से योग सीख रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, स्वदेशी को अपना रहे हैं, काढ़ों को पी रहे हैं, क्योंकि वो सुरक्षित रह सकें। लेकिन आज यहाँ पर सब लोग मिल के खुली सांस ले रहे हैं और इंटरनेशनल योग दिवस को मना रहे हैं। सभी को एक बार बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय दिवस, सभी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज जैसा कि हमने प्रोटोकॉल के साथ में कुछ ही लोगों के साथ, सीमित लोगों के साथ में आज योग दिवस मना रहे हैं, और हमारा साथ दिया जा रहा है पतंजलि परिवार की ओर से। और बहुत सुंदर आप देख ही सकते हैं, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है, और जो कोरोना महामारी चल रही है उसका ध्यान रखते हुए बहुत बड़ी जगह में इस आयोजन को किया जा रहा है। महिलाओं की भागीदारी बहुत है, सुबह ही यहाँ पर 4 बजे से सब लोग उपस्थित हैं और 5 बजे से योग कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो महिलाएं बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।